तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वी इलेवन प्रो कैमरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीवो वी इलेवन प्रो के कैमरे के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि वीवो वी इलेवन प्रो में कैमरे को लेकर काफ़ी सारे बैड न्यूज़ आ रही थी, जैसे कि कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में प्रॉब्लम, कैमरे में ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी, जैसे कि काफ़ी धुंधला धुंधला सा कैमरा अजीब सा नज़र आता था। ठीक है, तो अभी जो है कि अभी आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास अपडेट आ गया है तो अपडेट कर लिया होगा, तो अच्छी बात है गाइस। अभी वीवो वी इलेवन प्रो में सितंबर का एक नया अपडेट आया था, जिसका अपडेट वर्जन था 6.12.8। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो यार अपडेट कर लें, आ चुका है। अगर आपके पास अपडेट नहीं आया तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट आई होप कि आपको सभी को ये अपडेट मिल चुका है। ठीक है, और इस अपडेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अपडेट है, बहुत ही अच्छा अपडेट है गाइस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्प्रूव कर दी गई हैं, मतलब कि काफ़ी सारे जो वर्क्स थे वो फिक्स कर दिए हैं। उसी हिसाब से कैमरे को लेके भी एक वर्क था कैमरे का, वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर दिया गया, मतलब कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं वीवो वी इलेवन प्रो के कैमरे का आफ्टर अपडेटेड, जो कि है 6.12.8। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम कैमरे को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कैमरे को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मैंने फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल कर दिया है। ठीक है, अगर आप एक अच्छी सेल्फी लेना चाहते हो या फिर अच्छी फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ बातें याद करनी रहती चाहिए, जिससे कि आपको फ़ोटो जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी गाइज। तो जैसे कि आपको जो फ़ोन की ब्राइटनेस है गाइज, उस पर आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना, उसको फुल रखना है। जब भी आप फ़ोटो कैप्चर करें तो उस टाइम आपको फ़ोन की ब्राइटनेस को काफ़ी अच्छे से रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम फोटो यहाँ पे कुछ फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ गाइज। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बाहर हूँ और बाहर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर मैं एक फ़ोटो कैप्चर करता हूँ। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फ़ोटो की, तो यार आप देख सकते हैं फ़ोटो में जो कलर आ रहे हैं वो काफ़ी नेचुरल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर डिटेल्स की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद भी बहुत ही अच्छी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है गाइज। अगर आप बात करें हम एक फ्लावर्स की, अगर यहाँ पर फोटो कैप्चर करते हैं पोर्ट्रेट मोड पर लेके, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में क्लिक कर देता हूँ, और पोर्ट्रेट मोड पर अगर फ़ोटो क्लिक करूँ तो गाइज यहाँ पर अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पर मैं इस फोटो यहाँ पर फोटो क्लिक करता हूँ पोर्ट्रेट मोड में, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेल्फी कैप्चर की, यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर की है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो गाइज पोर्ट्रेट मोड ने यहाँ पे काम तो किया है, बट मैं ये कहूँगा कि इतना अच्छे से काम नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पत्तियाँ हैं वो अभी आप साइड में देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, बट आधी पत्तियों पर ब्लर आ गया है, आधियों पर नहीं आए, तो पोर्ट्रेट मोड में यार इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें हैंड की, तो हाथ को लेकर काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हाथ को लेकर पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो क्लिक करते हैं गाइज, तो गाइज यार यहाँ पे हमें बहुत अच्छा पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कुछ सेल्फीज जो कुछ फ़ोटोज़ में आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी अच्छी इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड ठीक है, लेकिन जो छोटी बारीक चीज़ रहती है उस पर काफ़ी अच्छे से जो है ये पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अच्छे से मैनेज करते हैं और एक फ़ोटो फिर से लेता हूँ। तो देखिए मैंने एक फ़ोटो फिर से ली, और यहाँ पे फिर से पोर्ट्रेट मोड पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे भी गाइज काफ़ी अच्छे से वर्क नहीं किया है। पोर्ट्रेट मोड में जो है वर्क अभी भी आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उन सभी पे पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, बट जो छोटी चीज़ों पे अगर हमें पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके अदरवाइज़ और कैमरे क्वालिटी की अगर वगैरह होगी तो बहुत ही अच्छी यार क्वालिटी जो मिलने वाली है, काफ़ी गजब की क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है गाइज। आप देख सकते हैं अभी मैं अगर आपको वीडियो पर लेके जाके दिखाऊं तो यार वीडियो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है वर्किंग कर रही है। वीडियो को अगर लेके बात करें तो यहाँ पे जरा भी कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को लेके, वीडियो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। और अगर हम वीडियो में जाते हैं तो देख सकते हैं वीडियो काफ़ी अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, जिस भी चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं वीडियो में तो काफ़ी अच्छे से फोकस हो रहा है।
बट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें जो कैमरे में प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो हम छोटी चीज़ों को फोकस करते हैं उन चीज़ों पर अच्छे से पोर्ट्रेट मोड वर्क नहीं करता है। ये वक्स भी शायद अगले अपडेट में फिक्स हो जाएगा, बट आप वीडियो देख ही चुके हैं कि वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। गाइस देख सकते हैं जितनी तेज़ी से मैं फ़ोन को हिला रहा हूँ उतनी तेज़ी से अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है आपको सिर्फ कैमरे में इतनी ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वाली है। अगर बात करते हैं हम इसके फ्रंट कैमरे की, तो फिलहाल मैं ये वीडियो फ्रंट कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है अभी मेरा फ्रंट कैमरा ओपन है, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम सेल्फी की बात करते हैं, यहाँ पे मैं दो चार फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ और यहाँ के भी मैं आपको कलर दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ के भी मैं आपको कलर दिखा देता हूँ दो चार। और अगर वीडियो पर बात करते हैं हम, अगर यहाँ पर, तो वीडियो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, जूम आउट अच्छे से हो रहा है। तो कैमरे में तो कोई भी वर्क्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक दो सेल्फी और कैप्चर कर देता हूँ यहाँ पे इस। ठीक है, तो गाइज अब हम इसको सेल्फी को देख लेते हैं किस टाइप की मिल रही है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कलर जो है आपको थोड़े से रियर कैमरे से ज़्यादा अच्छे तो नहीं मिले हैं, बट रियर कैमरे के काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिले हैं। जो रियल कैम कलर हैं वो आपको देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा वाइटनेस आपको देखने को मिल रही है फ्रंट कैमरे में। हालांकि इसे अच्छा कह इतना बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन अपने हिसाब से ठीक ही डिटेल्स दे रहा है। आप देख सकते हैं डिटेल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट फ्रंट कैमरे रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपडेट के बाद इसका। तो बस इतने ही चेंजेस आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगर गाइज इस कैमरे में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड की प्रॉब्लम अभी भी है, जो कि अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। हालांकि जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं कि मैं इस अगर किसी भी चीज़ पे अगर ब्लर करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इस पर फोकस करता हूँ, तो गाइज यहाँ पे अगर हाथ पे लेकर अगर इसको क्लिक करता हूँ तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट अगर इसको सिंगल को किया जाए तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इसमें जो अभी वर्क्स है वो कलर को लेके जो था वो तो अभी साफ क्लियर हो गया कि फ्रंट कैमरे में आपको थोड़ा बहुत कलर की प्रॉब्लम मिल सकती है, बट रियर कैमरे में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। तो यही इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कैमरे की और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।